उसका बॉडी स्टाइल ही कुछ और है लाहौरियों का। अच्छा, बाजू फैले हुए हैं, आंखें यूं हैं, और अच्छा जो लाहौरियों की ओए है, मैंने दुनिया में ऐसी ओए नहीं देखी। डेस्क में बैठा होता हूँ अपने ऑफिस के, तो मुझे लगता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, चलने का भी बाबू जी बस सलाम अलैकुम है जी, और जनाब तुम साडे बड़े हो, और अब्बास जी जनाब ना लव करने हैं। तो मैं कहा ये आपने मुझे इनविटेशन दिया, कहते जनाब मोहब्बत करने हैं, कीमत भले असी सारे मिलके आए, इज्जत करने हैं जनाब। देश पंजाब चुकिया सी कसूर में बैर दा पा, ना दा जट ते प्यो सरदार। Achai. So dunge. Oh, look how she leans her hand upon her cheek. If I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek. Tasulan 12 darwazon mein nasb hoon. Anarkali ke baad mujhe gaada gaya hai waltz. Kya mohabbat sirf ek hi martaba hoti hai? Nahi ji, ek dafa hui to kya hui? Ye to baar baar hoti hai, roti chali jati hai. जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। हमारा भी जी भर गया, बस ठीक है। तुम ठीक कह रहे थे, मेरे ख्याल रहने दो। नवाया वे सोनिया, ओए जेलां विच ते मैं आप जानना वा जेलर साहब, इस पंजाब नू कह दियो कोई इन्ना वड्डा हो जाए, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫੱਟ ਲਾਵੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਲਫੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤੇ ਧੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। सुपर पाकिस्तानी में हमारे मेहमान हैं डीजी वॉल्ट सिटी लाहौर कामरान लाशारी। उनसे मुलाकात के लिए हम डीएचए लाहौर में वाके उनकी रिहाइश का पर गए। कामरान लाशारी अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान लाशारी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी फाइन, बहुत शुक्रिया। सर, आपके आर्टिस्टिक शौक को देखकर लगता है कि आपने सारा अंदरूनी लाहौर अपने इस घर में ही समेट लिया। जो आपके अंदर होता है वही बाहर आता है मेरे ख्याल से, तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड हियर। घर हो, अगर आपका घर ठीक नहीं तो मेरा ख्याल है फिर आप बाहर के शहर भी ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने अपने इस घर को सजा रखा है, बिल्कुल उसी तरह से आपने लाहौर को सजाने में भी नुमाया काम किया है। तो जब हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो दिल चाहता है कि कहा जाए कि असल लाहौर के वारिस लाशारी साहब हैं। नहीं खैर, ये तो इतना बड़ा लकब मैं इसके काबिल नहीं हूं। वेल, वेरी काइंड ऑफ यू, यू आर बीइंग वेरी जेनरस। लेकिन बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारा कमाल कर रखा है, तभी से शहर जो है वो किसी शख्स से नहीं, बहुत सारे लोगों से बनते हैं। और मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, लेकिन बरना हमने भी थोड़ी सी उंगली इसमें कटाई है, और उसकी खुशी होती है क्योंकि ये मेरा शहर है, मैं यहाँ की जम्पल हूँ, यहाँ मजंग के एरिया से हमारा ताल्लुक है बहुत पुराना। मेरा ख्याल है लाहौर से अपना विरासत जो है कोई उतनी मुश्किल बता सकेगा जितनी मैं बता सकता हूँ। अच्छा। हालांकि मैं एक बलोच हूँ, लाशारी हूँ, लेकिन पूरे 500 साल हो चुके हैं हमें लाहौर में आए हुए। सही। तो ये जो पुरानी नारकली है, इसका असल नाम है मोहल्ला लंगर खान बलोच। 14th ग्रैंडफादर इज लंगर खान बलोच। तो ये बादशाह हुमायूं के वक्त में बलूचिस्तान से पहले मुल्तान और फिर इधर आए थे। ये हिस्ट्री है। वैसे तो हर शहर से, मैं सिंध में रहा हूँ, मुझे वहाँ से बहुत रगबत है। मैंने सर्विस के पहले 9-10 साल वहाँ गुजारे, आज भी मैं माय फर्स्ट लव रिमेन सिंध। सर, आपने थरपारकर में काफी वक्त गुजारा है, तो पंजाब और सिंध में क्या डिफरेंस नजर आया? बहुत सारे हैं, बहुत
मौसम से लेके और उसके कल्चर, खदोखाल कल्चर, उसकी जबान, उसका लबास, उसका खाना पीना, उठना बैठना। और सिंध बहुत ही एक कदीम कल्चर है, बहुत ही जिसको डाइवर्स और रिच कहना चाहिए वो है। मैंने तो सच पूछे, चूंकि मैं लाहौर में, तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, लिबर्टी मार्केट, माल रोड, एज ए यंग मैन यही हमारा दायरा होता था जिंदगी का। लेकिन जब मैं सिविल सर्विस के आते ही थरपारकर में मेरी पहली पोस्टिंग 1.5 साल रही। अच्छा। तो मुझे सही माने जो है कल्चर के और उसकी गहराई और उसका कितनी जामे चीज़ है वो सिंध से मैंने सीखी। अच्छा। और उधर के लोग कैसे जुड़े हुए हैं अपने कल्चर से, तो सो और बहुत मेहमान नवाज, बहुत इंकसारी वाले लॉरियों का जरा स्टाइल और है। तो वो और आज भी, अब ये आम का सीजन आया है, यकीन करें अभी मुझे 30 साल हो गए छोड़े हुए सिंध को। सही। लेकिन अभी भी कभी आम आ जाते हैं, कभी अचार आ जाता है। अच्छा। तो सो वो इस्लामाबाद से नहीं आता जहां मैंने बहुत वक्त गुजारा। जो सिंध का कल्चर है उसमें इंकसारी ऐसी है कि कितना भी बड़ा आदमी हो, वडेरा हुआ, आपको आकर ऐसे मिलेगा, साईं खुश आयो, जोड़ मतारो, ढोर डंगर, अचड़ा बचड़ा, सब खैर। दैट्स राइट। तो इधर जरा वो पहले तो उसका बॉडी स्टाइल ही कुछ और है लाहौरियों का। अच्छा, बाजू फैले हुए हैं, आंखें यूं हैं। और अच्छा, जो लाहौरियों की ओए है, मैंने दुनिया में ऐसी ओए नहीं देखी। अब ये कोई कहना भी चाहे मेरे ख्याल से मुश्किल है। तो वो एक एक बड़ा, इसको हम जिंदा दिली भी कह सकते हैं, इसको जरा औखापन और एक एक फन खानी भी कह सकते हैं, अग्रेसिव हैं, लेकिन खुशबाश और जुगत जो है, अब जुगत सिंध में नहीं ऐसी। अच्छा। जो जो इधर मजा और जुगत है, कमाल की है। आप एक दूसरे से कैसे, और वो हमने देखा है पंजाबियों में, लाहौरियों में खास तौर पे। आप पोठोवार चले जाएं, उधर उनकी जबान, उनका स्टाइल कुछ और है। फजरी वैसा कितने आज पे जुलने हो, ते कदों आसो ते जासो। अच्छा। वो वी हैव सच ब्यूटीफुल डायलैक्ट्स इन यू नो, ये सियालकोट, इधर अडा आना गनी आख्या उनो सो ये, बट आई लव डायलैक्ट्स, आई लव द कल्चर्स, जी लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स। दैट्स ट्रू। सर, आपका मिजाज और अंदाज रिवायती ब्यूरोक्रेट्स की तरह नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि शायद मैंने अपने आप को सिर्फ उस फ्रेमवर्क में नहीं देखा। अच्छा। ना ढाला। एक होता है कि आप कहते हैं बस मेरी जिंदगी यही है, ब्यूरोक्रेट ही हूं। वो ठीक है, एज अ प्रोफेशन इट हैज बीन माय प्रोफेशन फॉर द लास्ट नाउ ऑलमोस्ट 40 इयर्स। मगर और भी दुख हैं जिंदगी में ब्यूरोक्रेसी के अलावा। और ब्यूरोक्रेसी में भी आपको इतना बैरिड एक्सपीरियंस मिलता है, तो खास तौर पे सिविल सर्विस में। देख रहे, मैं कभी थरपारकर देख ही ना पाता, सिंध ही ना जाता। ये मेरी सर्विस ने मुझे ये मुहैया किया, मैं उसको रन डाउन नहीं करना चाहता। इतने लोगों से मिलता हूँ, एक बकरी वाले से लेके एक इंडस्ट्रियलिस्ट और मुल्क या सूबे के जो सरबराह हैं उनसे भी मुलाकात। सो आपकी हर लेवल पे एक पर्सनल इंट्रैक्शन का मौका मिलता है, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में जाने और कई रिमोट एरिया जहाँ वैसे इंसान शायद जाए नहीं, उन इलाकों में जाने का मौका मिलता है। तो सो ये बड़ी मज़ेदार सर्विस है। लेकिन उसके अलावा फिर अपनी सोशल लाइफ है, अपनी एक कल्चरल, अपनी एक फैमिली लाइफ है, और मैं उसमें भी भरपूर हिस्सा लेता हूँ, इंजॉय करता हूँ। और उस वक्त मैं बिल्कुल भूल जाते हैं, बल्कि जब मैं डेस्क में बैठा होता हूँ अपने ऑफिस के, तो मुझे लगता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि वो मैं असल शायद नहीं होता। तो असल तो जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ फिर फन लविंग और दैट्स राइट, बट आई रिमेन इजी इवन इन द ऑफिस। और अगर कोई मुझे थोड़ा सा मजाहिया बंदा, थोड़ा सा एक कैरेक्टर मिल जाए, काम करने वाले लोग तो बहुत खुश होते होंगे, तो वो फिर मैं उसको बिठा लेता हूँ। अच्छा। वो चाहे पहलवान ही हो। अच्छा। चाहे वो पुतली के तमाशे वाला हो। अच्छा। चाहे वो, और मेरे इसमें अभी आपको बंदर तमाशे वालों के कम से कम 4-5 नंबर्स मिलेंगे। अच्छा। वो साग पराठे लगाने वाली माई, कोई घुग्गू घोड़ा बनाने, आई लव दीज पीपल एंड देन आई सिट विद देम। खास तौर पे अगर किसी में कोई तंज़ो मज़ा है, कोई बातचीत स्टाइल है,
अब ये लेटेस्ट मेरी एक डिस्कवरी है, नवाज पहलवान है अंदरून लाहौर में। अच्छा। तो वो उसका स्टाइल ही ऐसा है, जो कुछ वो पहनता है, जो कि मैं बोलने का भी और चलने का भी, बाबू जी बस सलाम अलैकुम। अच्छा अच्छा। जनाब तुसी साडे वड्डे हो, अब्बास जी जनाब ना लव करने आ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइल। ये आपने मुझे छेड़ दिया है। एक दफा मैं डिप्टी कमिश्नर था लाहौर में, तो बहुत पुरानी बात है, जब वो टेलीफोन भी हाथ में लेकर चलते थे बड़े बड़े, तो 5-7 लोग जिनमें से एक दो के पास ऐसे टेलीफोन भी थे, वो धड़म करके दरवाजा खोल के तो अंदर आए। मेरे पास और लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन ये ना कोई उन्होंने इतला भेजी ना पूछा। तो एक अजीब तरीके से, और वो शलवार कुर्ते और वो माए लगे हुए और वो कुछ बड़े बड़े बाल और चौड़े, तो ओए आ जाओ आ जाओ, बैठे ने डी सी साहब बैठे ने, आ जाओ आ जाओ, मलिक साहब दूसरी आ जाओ। तो आई सेड भाई ये पता नहीं कोई MNA है, कोई MPA है। तो लेकिन मैं लाहौर वालों को पहचानता था, तो वो मुझे लगे नहीं कि वो हैं। फिर मैंने कहा शायद हमसाए डिस्ट्रिक्ट्स में से कहीं से आए होंगे। अच्छा। कोई है इधर आप पैड़ियाँ चीज़ा ने, खुदा खरम करे आज की है। तो बैठो जी दूसरी इधर, खुद ही कुर्सियाँ वर्सियाँ लेके बैठ। अच्छा। तो फिर मैंने पूछा जी, फरमाए, कहते जी दूसरी दसो हाजी साहब। उठने का दूसरी, देखो जी डी साहब असी जड़े आए ना मिल के, असी ना सुनन नहीं जे आए। अच्छा। तो मैंने कहा भाई आप मुझे काम तो बताएं, मैं देखता हूँ क्या है। नहीं 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 नहीं, पहले साढ़े नाल तुसी वादा करो, तुसी सानू ना नहीं करोगे। मैं क्या जी, तुसी फरमाओ तो सही, दसो तो सही। और देखो जी असी ब्रांडर रोड दे सारे इलेक्टेड नुमाइंदे हाँ। जनाब मत करने आ, कीमत वाले असी सारे मिलके आए, इज्जत करने जनाब। अब ये लाहौरियों का स्टाइल था ना, इनवाइट करने का भी स्टाइल है। अब सो दिस इज इन ह्यूज कॉन्ट्रास्ट विद सिंध। कामरान लशारी ने अपने घर के कोर्टयार्ड वाले हिस्से की आराइश अंदरूनी लाहौर की पुरानी इमारतों की तर्ज पर कर रखी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएगा आपकी वालिदा को जग अम्मी क्यों कहते थे? वो अम्मी हमारी जी, जितना हमारा खुला घर था उसमें बहुत खुलापन था, शायद वही मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना है। और मेरे वालिदैन जो थे वो इतने, मैं हमारे हर दोस्त के अपने ही वालिदैन की तरह थे। सही है। तो उनको इतना वेलकम करते थे, कई दफ़ा हम बीच में नहीं भी होते थे, उनकी महफिल लग रही है हमारी अम्मी अब्बा से। अम्मी जो थी वो हर किसी को, आ जा तू मेरा पुत्र है। अच्छा। तू मेरा पंजवां पुत्र है। अब हम चार बेटे थे, तो जो आता था उसको तू पंजवां पुत्र है। तो एक दो दफा हमने पूछा भी अम्मी तू सही दसो पंजवां हैगा केड़ा वे, क्योंकि पंजवां कर दे को 75 ही तो हो गए ने पंजवे। अच्छा। तो सो वो, और हर दोस्त ये समझता था कि मैं ही वाकई पांचवा हूँ। सही है। तो उसको ये समझ नहीं लगती थी। देती होंगी ना तो सो इसलिए उनको जागम्मी कहते थे। और ये जो तस्वीर आपने, हाँ जी, तो सो शी वॉज अ वेरी ग्रेसफुल लेडी, शी वॉज अ, और बड़ी घर की एडमिनिस्ट्रेटर थी वो, साथ सख्ती भी जो थी, लेकिन प्यार मोहब्बत, दो घर के मोहल्लेदार भी आ जाते थे अंदर ही वो अम्मी के पास, वेलकमिंग। तो सो हमारे घर का कुछ जिसको जंदरा या ताला कहते हैं वो था ही कोई नहीं, इट वॉज अ वॉक इन हाउस। आप कमरे के बाहर ज़रूर कोई आवाज़ दे के पूछ लेता था, लेकिन जितने कोर्ट यार्ड से उनमें खुला, और बाहर का सेन जो था वो सबके लिए एक पार्किंग प्लेस थी, क्योंकि बाकी मोहल्ला था बहुत कंजेस्टेड था, तो इसी में वो आके घर वो जमाने और आज के जमाने में काफी डिफरेंस। तो घर में आओ तो आगे 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं, 15-20 मोटरसाइकिलें आपके घर के अंदर, भैया कौन ने कितों आए ने पता नहीं जी, वो बाजार जाना सी रख गए ने। सो दिस वॉज अ स्टाइल। तो वो सो वो अब अपने हमसायों का पता नहीं होता। मैं इधर डिफेंस में रह रहा हूँ पिछले 15 साल से, मुझे नहीं इल्म के मेरे लेफ्ट राइट काम से काम इधर। सर आपको एक्टिंग का शौक था, फिर आप न्यूज एंकरिंग की तरफ कैसे चले गए? बस जी किसी ने इस काबिल समझा ही नहीं है।
I thought I will become a hero one day, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वो एक दिन मैं अपनी वालदा के साथ, बिलाल भी फिल्में बनाता है, तो आपने कभी कहा नहीं उससे कि मुझे अपनी फिल्में ले लो? इट्स बिट लेट इन द डे मे बी, लेकिन अपने अंदर तो हीरो रहता है ना जी. वो बेटा भी नहीं पहचान पाए. एक दफा मैं और अपनी वालदा हम दोनों देख रहे थे VCR या कोई, तो उसमें शाहरुख जो है वो, उसको वो कौन सी एक्ट्रेस थी जी, अश्विरा, उसको उठाए हुए यूं यूं जा रहा. मैं क्या, अच्छा वो हो रहा था कोई गाना. मैं क्या, अम्मी जी ए तो अड़ा पुत्र बनना चंदा सी जी, वेख्या जी शाह. कहते शर्म कर, अल्लाह ने इन्नी इज्जत दिती है, वेख तो सी किन्ना रुतबा दिता है. वो मैं क्या जी, वो तो दिता है पर यह तो वेखो है तो नहीं दिता ना, वो तो उनके नाल ही फिरदी पई. तो फिर खैर दो चार उन्होंने, this is how it is. Acting always fascinated me. War film jo Bilal ne banayi to usme mujhe wo bhi ek bureaucrat ke role tha. I was chief of intelligence. Acha. To wo role mila to mujhe koi bahut sir koi dialogue bol ke dikha de hame. ये अभी भी जो आपने मौला जट फिल्म देखी जी, उसका ही सुना दो. उसके शुरू में जो वॉइस ओवर है वो बहुत कम लोगों को पता है. वो मेरा है. देश पंजाब चुकिया सी कसूर में बैर दा पा, ना दा जट ते प्यो सरदार. ये मुझे थोड़ा बहुत शौक रहा है, कोई नज्म पढ़ने का, कोई अंग्रेजी हो उर्दू हो. मैं जब गया इटली में तो एक वो शहर है वेरोना, अच्छा, जो शेक्सपियर ने उस पर वो ड्रामा बनाया है रोमियो एंड जूलियट. तो जूलियट और वो दोनों वेरोना के रहायशी थे. तो वेरोना, अच्छा, में घूमते हुए वो लोग, तो ऐसे उन्होंने एक कोर्टयार्ड जो है और एक बैल्कनी जो है वो जूलियट की बनाई हुई है. तो वो फिर मैं तो उधर भी खड़े होके उसके डायलॉग शुरू हो गया कि अच्छा, वो अंग्रेज भी मुझे देखें. मैंने कहा, Oh, look how she leans her hand upon her cheek. If I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek. अच्छा, वो कहती है कि Is it Romeo? And Montague? Montague उसकी जात है. सही है. तो कहता है, Neither my fair lady, if either thee dislike. I hate the word, for it is an enemy to thee. Had I written it, I would tear it apart. तो वो फिर कहती है कि Romeo, Romeo. Wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name, and for that which is no part of thee, take all thyself. I take my own. Wow, sir, this is amazing. Sir, this is really good. ये बहुत talent है. एक आप तो मुझे लगता है किसी ने पहचाने नहीं, आपने कह दिया तो मान लेते. अच्छा सर, मैं भी न्यूज एंकरिंग करती रही हूँ. आज और कल की न्यूज एंकरिंग में आपको क्या फर्क नजर आता है? मैंने तो वो ऑल इंडिया रेडियो, रेडियो पाकिस्तान, आजकल तो प्रॉम्प्टर्स होते हैं. क्या फर्क था जी. उर्दू जो थोड़ी सी हमने सीखी या उसमें अगर कोई निखार है, कोई कोई उसकी समझ है और उसमें कोई तलफ्फुज का लफ्ज सही है, तो वो वहीं से सीखा. तो वो कुछ ऐसे होता था कि ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है. अच्छा. अभी आपको हम एक गीत सुनाएंगे और उस गीत का जो जो कुछ भी होता था जो, अच्छा खैर, तो प्रॉम्प्टर्स तो सर नहीं होते होंगे. अच्छा, तो अब यहाँ पे कई दफा ऐसे लोग, या इसी तरह रेडियो पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह उसके एंकर्स जो थे अच्छी उर्दू बोलना. अब क्या है कि पार्लियामेंट के सामने एक एंकर खड़ा है. मैं पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ, ये देखें ये रोड़े हाथ में लेके आ रहे हैं ये लड़के, और ये आ गए हैं, ये हम मार रहे हैं एक दूसरे को, ये इस मुल्क में बस यही. अब मुल्क का लफ्ज, अब आधे देखिए पंजाबी जो है आधे क्या, 90% विल से मुल्क. मुल्क बिल्कुल. अच्छा, इट्स मुल्क. तो ना वो जबर पेश उस किसी चीज का ख्याल है. तो उर्दू का तो जनाजा निकला हुआ है टेलीविजन के जरिए. सो आई थिंक अच्छी पंजाबी भी नजर नहीं आती. न्यूज़पेपर रीड क्या करते थे जी? न्यूज़पेपर रीड किया. मैं थोड़ी देर के लिए न्यूज़कास्टर बन गया था जस्ट बिफोर आई जॉइन द सिविल सर्विस. तो अंग्रेजी की खबरें मैं पढ़ता था. अच्छा. तो मेरा रिश्ता भी खबरें पढ़ने से हुआ. इन द सेंस, तो उस वक्त मिलना जुलना का इतना रिवाज नहीं था. तो मैंने भी अपनी
वालदा पे छोड़ा हुआ था, वालद गुजर गए थे कि अच्छा मेरी जो माँ और बहन कहेंगी ना, लेकिन कंसेंसस होना चाहिए। तो वो भी जरा पॉलिटिकल पार्टी थी दोनों, तो मेरा ख्याल था कि ये जब तक कुछ सही बात नहीं होगी तो ये मुत्तफिक नहीं होंगी। तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं है एक हमें लड़की बड़े, तो उसको कहा गया कि भाई तुम उसको देख लो टेलीविजन पे आता है। अच्छा। तो वो खबरें पढ़ता है, वो अब पता नहीं किस हद तक दुरुस्त है, मगर मेरी बेगम कहती है कि मुझे मेरे साथ ज्यादती ये हुई कि ये नहीं बताया गया कि खबरें किस जबान में पढ़ता है। उस जमाने में अरबी में भी होती थी, अरबी देखूं, बंगाली देखूं, इंग्लिश, उर्दू देखती। अच्छा उसमें कोई दाढ़ी वाला था इतना बड़ा, कोई मोटे पेट वाला था, तो कहती फिर वो अंग्रेजी देखी तो मुझे लगा कि शायद यही होगा। तो बहरहाल ये इस तरीके से वो हमारा रिश्ता भी हुआ, बट आई वॉज जस्ट देयर फॉर 6 months। फिर वो सेंट्रलाइज हो गई, न्यूज वर प्रोविंशलाइज्ड, देन दे गॉट सेंट्रलाइज्ड एट इस्लामाबाद। कामरान लाशारी के घर के बागीचे की सरसब्ज घास तपती दोपहर में भी आंखों को ठंडक देती है। सर, अगर आपकी नज़र से लाहौर को देखें तो आप लाहौर में क्या तब्दीलियां करना चाहेंगे? मजाज में तो खुलापन है, लेकिन इसकी तामीरात और इसकी जो खदोखाल है उसमें ज़रा कंक्रीट को कम से कम लाना चाहूँगा, इसमें ओपननेस, ग्रीनरी और ये चार दीवारियों का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना बढ़ गया है। हम अच्छा भला घर जगह बना के, चाहे वो हाई कोर्ट के सामने हो, गवर्नर हाउस हो, इतनी खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना दी हैं, क्या ये दूसरे मुल्कों में होती हैं? और यहाँ क्या ये टेररिज्म से इससे रुक सकता है? ये उस तरह की सिक्योरिटी इशू नहीं है जिससे दीवारों को आप समझें कि सिक्योर हो गए। सो दीवारों को ख़त्म करूं, ओपननेस क्रिएट करूं, सिट आउट्स क्रिएट करूं, बाहर बैठने का रवाज। आज पूरे शहर में मुझे कहीं भी कहीं नहीं होता एक गिटार या एक बांसुरी भी नहीं बजती सुनाई। बाहर ऐसा बहुत कॉन्सेप्ट है स्टिल, एंड इट रियली लुक्स गुड। एक गिटार वाला भेजा था लिबर्टी राउंड अबाउट पे, तो वो दूसरे दिन आ गया वापस कि जी उठे पुलिस की गड्डी आई सी, उन्होंने क्या ओए की कर रहे हैं? तो मैंने कहा जी मैं गिटार बजा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा वो क्यों, वो क्यों? उसने कहा जी मुझे साहब लोगों ने भेजा है। उन्होंने कहा चल एनओसी है गई? उन्होंने कहा नहीं, चल जा तो फिर अपने साहबों को एनओसी। सो यू नीड एनओसी हियर टू इवन प्ले अ गिटार। फुटपाथ का बहुत बड़ा इशू है, हमने बाहर के शहरों से ये चीजें तो सीख ली, अच्छी सड़क बना लो, अच्छी लाइट लगा लो, लेकिन पैदल चलने का कोई रवाज ही नहीं पैदा कर सके। इवन जो नई कॉलोनीज DHA वगैरह बनी है उनमें भी इट्स डिफिकल्ट टू वॉक। तो सो एक एक पार्किंग जो है उस बाहर तो एक एक इंच जो है मार्क्ड है। इधर ये है कि जिसका दिल चाहे, इट्स अ फ्री फॉर ऑल कंट्री। अच्छा सर, मुझे ये बताएं इसकी क्या वजह है कि आपने बेतहाशा काम किया, तवील अरसे तक सर्विस में भी रहे, लेकिन आपकी कभी कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई? आपके पास वो कौन सी गीदर सिंगी है जो सब आपसे खुश है? ये सच भी है और सच नहीं भी है। अच्छा। I have been through tough times, जिंदगी में OST भी बनता रहा हूँ और उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज, कभी किसी अदालत में, कभी किसी और इंक्वायरी में। आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन देयर हैव बीन टफ टाइम्स। ये सिस्टम बड़ा मुश्किल सिस्टम है। अच्छा, और अच्छा। खास तौर पे वो लोग जो काम करते हैं वही उन पर ही सवाल उठता है और उन पर कंट्रोवर्सी बनती है। अगर आप काम ना करें तो कोई कंट्रोवर्सी इस मुल्क में नहीं बनती। सही कह रहे हैं। ये इट्स अ स्ट्रेंज थिंग। आप देखिए हमसे हमेशा ये सवाल किया गया है, ये तुमने कैसे कर लिया, ये क्यों किया, ये प्रोसीजर क्या। सो प्रोसीजर्स में डाल के आप किसी को जिंदगी खराब कर, लेकिन अगर मैं काम ही ना करूं और स्टेटस को पे रहूं तो मैं मुझे तो कोई भी नहीं पूछेगा, प्रोसीजर कोई नहीं इशू हो। सो लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा पहलू भी है कि हर हुकूमत ने बहुत पसीराई की है और अभी भी काम को रिकॉग्नाइज किया है। 10-11 साल से इसमें 2-3-4 हुकूमतें आई हैं। मैं वॉल सिटी लाहौर में हूँ अभी, जो मौजूदा के टिकर सेटअप है इन्होंने भी बेतहाशा मुझे सपोर्ट किया हुआ है। अभी शालमार और ये जहांगीर का मकबरा वगैरह ये पिछले 10 रोज पहले मुझे मुंतकिल हुआ है। सो आई कीप गेटिंग सपोर्ट एंड आई एम लकी। मगर आई थिंक ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये सपोर्ट क्यों आती है।
कभी कभी आपका काम है, वो बोलता है जिसकी हम कदर इस मुल्क में कम करते हैं, लेकिन ना करते हुए भी काम अपने आप को मनवाता है। जी सर, आप डीजी वॉल सिटी लाहौर तो हैं, लेकिन क्या लाहौर के दीगर तीन इजला का सवारने का भी कोई मंसूबा या इरादा रखते हैं मुस्तकबिल में? ये मेरा रोल अभी बहुत महदूद है। मैं तो सुलन 12 दरवाजों में नस्ब हूँ, अनारकली के बाद मुझे गाड़ा गया है वो। लेकिन प्रोजेक्ट वाइज कहीं कहीं हम फिर भी काम कर रहे हैं। मुल्तान के किला कोना बाग को हम माय डिपार्टमेंट इज डूइंग दैट। फैसलाबाद में भी उनका जो घंटाघर चौक है, पुरानी एक दो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, लाइब्रेरी और ये वो हम कर रहे हैं। भावलपुर में एक एंटरटेनमेंट पार्क बनाने लगे हैं। हमने 11 श्राइन्स पे काम किया है जो औकाफ ने हमें करने को बोला। कोई 10 या 11 चर्चेस पे काम किया है पंजाब में, और 2-3 टेंपल्स पे किया है। फिर आजाद कश्मीर में आजकल हम काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। हमसे मुराद वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी, वो उनका एक किला है रेड फोर्ट इन मुजफ्फराबाद, उसको बहाल किया जा रहा है। कहीं कहीं थोड़ी सी छाप है। कामरान लशारी मकामी यूनिवर्सिटी के तलबा के विजुअल आर्ट एंड डिजाइन पर मबनी नमूनों की नुमाइश देखने गए और तलबा के तख्लीकी जौहर को सराहा। वापस आए और खुशगवार गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, लतीफ जज्बात को गहराई से समझते भी होंगे, तो क्या मोहब्बत सिर्फ एक ही मर्तबा होती है या फिर एक मोहब्बत का चूरन सिर्फ हमारी फिल्मों में बिकता है? नहीं जी, एक दफा हुई तो क्या हुई, ये तो बार बार होती है, होती चली जाती है, ये कभी रुकती ही नहीं। सही है। अच्छा, आप पहली नजर में मोहब्बत पर यकीन रखते हैं? आई थिंक सो, समटाइम्स इट इज सो स्ट्राइकिंग। उसको मोहब्बत के हैं या फैसिनेशन के हैं, अट्रैक्शन का ये लेकिन आप पर कोई चीज सराहियत कर जाती है एक एक लम्हे में भी। अच्छा सर, आपके नजदीक रोमांस क्या है? रोमांस वो है जो आपको मुंतकिल कर दे एक और ही जहान में, या एक ऐसी आप पर तासुर हो जाए चीज। जैसे आप लेट सपोज हम कवाली सुनते हैं या कोई गाना बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ समथिंग हैपेंस टू यू, यू फील दैट यू आर ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, इतना स्ट्राइक कर जाता है। तो रोमांस जो है वो एक आम सतह की खद व खाल से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कहीं और ही आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है, और जिससे आप की रूह, आपका जिस्म, आपका जहन उससे जुड़ जाता है और सराहियत कर जाता है। सर, आपको एक्टिंग का शौक है, तो कोई स्पेसिफिक रोल हो जो आप करना चाहते हो, कोई ड्रीम रोल, कोई कोई जिसमें सोचा हो आपने कि मैं ये जरूर करता? एक तो हीरो का रोल तो मैंने बताया, तो वो लेकिन था स्पेसिफिक कुछ। आई थिंक ट्रेजिक रोल्स जो हैं उसमें आपको अपनी फनकारी दिखाने का, क्योंकि जो आम रोल हैं या ऐसे ही आप गाने गा रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, कोई रोमांटिक डायलॉग बोल रहे हैं, दे आर ओके, दैट्स आल्सो गुड, लेकिन इट्स ट्रेजिक रोल्स व्हिच अट्रैक्ट मी मोर। कोई फिल्म देखकर आपको लगा हो कि आपको ये रोल करना चाहिए? वो रोमांटिक में मुझे रोमांटिक रोल्स पसंद है आपको? हाँ, वो जो सिलसिला फिल्म है। अच्छा, ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई है चांदनी, तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। तो वो जिस तरीके से वो फिल्माया गया है और जिस अंदाज से, काश के
एक सिलसिला फिल्म इधर भी कभी को बनती सिलसिले बने लेकिन सिलसिला नहीं बने बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल कौन सी फिल्में पसंद है? आजकल आई डोंट नो, मुझे तो सच पूछें ये फिल्मों का जो एक पूरा जॉनरा बदला है अब ये इतनी हाई टेक फिल्में बन रही हैं अंग्रेजी की भी जो हैं जो जो ये फिल्मों के हम नाम ले रहे हैं उस तरह की जिसमें एक बाकायदा कहानी हो एक कोई कोई उसका एक शक्ल शुबात हो वो तो रही नहीं। अब यूं देखें एक चीज़ उड़ के उधर जा रही है कैसे फट रही है उधर से गाड़ियां किधर जा रही हैं उधर से अब सब बड़ी सुपर नेचुरल सी ऊपर सब कुछ कर दिया ना तो वो इट्स मोर ऑफ इफेक्ट्स यू नो ये टेक्निकल और ये जो टेक्नोलॉजी के बेस्ड तो जो इंसान की अपनी एक्टिंग थी कैरेक्टर था वो कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है। तो म्यूजिक कैसा सुनते हैं, कोई पसंदीदा गाना बताएं हमें? सलीम रजा का इस वक्त जहन में आया है, बता दें जाने बहारा रश्के चमन तो सो इस तरह के जो जिनमें मेलोडी जिनमें शायरी जिनमें एक अजीब किस्म का वो हुस्न था कि वो आज तक हमारे जहन में नक्श है। बड़ा शौक था कि मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, मैंने कोशिश की बांसुरी बजाने की वो या थोड़ा सा एक दफ़ा वायलिन भी लेकिन वो बात बनी नहीं। इसी तरह गाना भी जो है वो सुनने की हद तक ही एक दफ़ा एकेडमी में गाया बड़े असरार पे वो हमारे होते थे डायरेक्टर जनरल अतिया अनायतुल्ला साहिबा के मियाँ थे अनायतुल्ला साहब तो वो मुझे कहते हैं कि लाशारी वाई डोंट यू सिंग इस तरह करके वो बात करते थे तो मैंने कहा सर नहीं नहीं सिंगिंग इज नो नो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ रेजोनेंस इन योर वॉइस यू शुड बी एबल टू सिंग। तो अब डायरेक्टर जनरल मुझे कह रहा था मैंने कहा जी जैसे वो नहीं करते उनको इशारा किया जो बैठे हुए थे तो मैं गाना शुरू हुआ के जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से जी भर गया हमारा भी जी भर गया बस ठीक है अब तुम ठीक कह रहे थे मेरे ख्याल रहने दो तो वो दिन नाराज कर फिर मैंने कभी कोशिश अच्छा, नहीं की। अच्छा सर आप किताब बीनी का भी शौक रखते हैं, कैसी किताब अच्छी लगती है? मुझे हिस्ट्री से सबसे ज्यादा उनसे शौक है रग़बत है तो सो वैसे तो कोई भी किताब लेकिन दैट्स माय मेन इंटरेस्ट और उसमें भी ज्यादा इस्लामिक हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री पाकिस्तान डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ना पड़ने का एक तो वो है दूसरा कुछ जानने की कोशिश या समझने की कि मुसलमानों ने इतना बड़ा अरूज देखा और इतने अरसे तक देखा अरसा दराज लेकिन फिर ये तनजली कहाँ से शुरू हुई और इसकी क्या रूट कॉज क्या थी रूट कॉज क्या थी और हम क्यों नहीं वापस जा पा रहे अपनी उस मंजिल पर जिसको तरक्की की मंजिल कहते हैं तो सो शायद इसलिए मैं उसको ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सर आप मौला जट फिल्म के डायलॉग्स बोलते हैं, उस फिल्म का कोई डायलॉग हमें भी सुना दें। मौला जट में तो मैंने खुद रोल अदा नहीं किया लेकिन जो पुरानी मौला जट है मैं उसके एक्चुअली मैं घर आके अपने मुलाजमों के साथ बन जाता था नूरी नत या मौला जट तो वो मेरी बेगम हमेशा कहती कि मेरे मुलाजम तुमने बिगाड़ दिए ये रहने के काबिल नहीं रहे। ओए आगे चौधरी साहब अच्छा ये तो एक नट के ये मौला जट का पंजाबी फिल्मों का और लिया है और जब मैं घर दाखिल होता हूँ ये मेरा स्टाइल रहा है और लस्सी ले आए और पखा ले आए नाल बार साड़ी सवारियां दस दे उस और सवारी का इंतजाम करन होना है थोड़ी देर बाद असी फिर निकलना जो जो नूरी नाथ के डायलॉग्स का नवाया वे सोनिया ओए जेलां विच ते मैं आप जानना वा जेलर साहब इस पंजाब नू कह दियो कोई इन्ना वड्डा हो जाए इत्थे कोई एयो जिहा सूरमा होए जिहड़ा साडे पिंडे ते वी फट लावे सोनिया तो वो कहता है ओए तू नूरी नथ ते नहीं जे मन लवा ते सिर विच डांगा मारेंगा तो सो दे दोस वर नाइस डायलॉग्स बहुत अच्छे थे क्या बात
क्या बाजी है सर। आप वहीद मुराद और मोहम्मद अली जैसे फिल्मी हीरोज के डायलॉग बहुत महारत के साथ बोलते हैं, उनका कोई डायलॉग हमें भी सुना दें। उसको हम चॉकलेट हीरो कहते थे, जो उस वक्त की हमारी गर्लफ्रेंड थी वो सब जिनको हम पसंद करते थे वो उसको पसंद करती थी, और मुझे याद है कहती थी हमें उसकी तस्वीरें ला दो, भाई तू साड़ी तस्वीर मांग। अच्छा नहीं नहीं वो अच्छा, फिर वो मैं साइकिल पे जाता हुआ मैकलोड रोड पे वो पड़ी होती थी उनकी तस्वीरें। अच्छा। तो वो अपनी पॉकेट मनी से जमा करके तो फिर उनको भेजना, सही है। तो वो लेकिन वो छाए हुए थे सब लड़कियों के जहन पर, जैसे आज कल भी कोई एक आध मैं नाम नहीं लूंगा कुछ। अच्छा। छाए होते हैं तो सो वो हमें एक सेंस ऑफ राइवलरी तो आती थी, तो वो डैडी डैडी जिन जख्मों पर आप मरहम लगाने आए हैं वो तो नासूर बन चुके हैं डैडी। अब ये उसका स्टाइल था बोलने का, लेकिन लड़कियों को पसंद था, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, अब हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। जी जरा जल्दी, ठीक है, आपने तुर्की बात तुर्की फटाफट से जवाब देने। वन वर्ड फॉर माहिरा खान। वेरी स्मार्ट। सबा कमर। वेरी ग्रेसफुल। मीरा। मीरा वेरी फनी। रेशम। एवरग्रीन। महवेश हयात। आई हैव येट टू डिस्कवर हर। ओके, रीमा। मेरा ख्याल है कि सदाबहार। इन लोगों को कोई आपने फिल्मी टाइटल देना हो तो क्या टाइटल देंगे? हुमायूं सईद। पंजाब दा पुत्र। इमरान खान। साडा सारी उम्र दा राइवल। अदनान सदीकी। अगेन वेरी स्मार्ट। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू। नाजरीन यही था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फीडबैक से भी जरूर आगाह कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नई जगह पर किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, और देखते रहिए वॉइस ऑफ पाकिस्तान।